सो हाउ टू मेक अ बैच फाइल इन MS-DOS. तो MS-DOS को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग विंडोज 11 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. तो स्टार्ट पे क्लिक करना है, अपने को टाइप करना है CMD एंड अपने को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इसे रन करना है. सो राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नाउ क्लिक ऑन यस. ओके, ये अपने DOS ओपन हो जाती है, DOS के स्क्रीन्स. एंड यहाँ पे अपने को बनानी है बैच फाइल. तो बैच फाइल बनाने के लिए अपने को करना क्या होगा, अपने को टाइप करना होगा कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, जिस भी नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो. सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ विकी VIKKY एंड यहाँ पे अपने को नाम के साथ .bat लगा के एंटर बटन प्रेस करना है. एंड बैच फाइल क्या करेगा, अपना मल्टीपल कमांड को रन करेगा. अपने को रन करना है वॉल, कंप्यूटर्स की वॉल्यूम, कंप्यूटर्स की वर्जन, इससे रिलेटेड सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो ट्री कमांड. ओके, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए सिस्टम इन्फो एंड TRW3, ये कुछ कमांड्स मैंने रन करा दिया. नेक्स्ट लास्ट आपको Ctrl+Z बटन प्रेस करना है, देन एंटर बटन प्रेस करना है. ओके, नाउ आपको चेक करना है कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा. VIKKY एंड ये अपना बैच फाइल रन करना स्टार्ट हो गया. नाउ ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है एंड ये पूरी प्रोग्राम आपको प्रॉपरली रन करके दिखाता जाएगा. तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहे काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ. थैंक यू.